लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए हमारे साथ है नागेश्वर मिश्रा जी, जो कि रेल मजदूर यूनियन के जोन अध्यक्ष हैं। और ये 135 वर्ष पहले शिकागो शहर में शिकागो के मजदूरों ने 8 घंटे सवाल को लेकर, ड्यूटी के सवाल को लेकर एक ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें शिकागो की सारे मजदूरों के खून से लाल हो गई थी। और उस सवाल था 8 घंटे ड्यूटी के सवाल को लेकर। मजदूरों के ऐतिहासिक संघर्ष के बाद दुनिया में मजदूरों की काम के घंटे निर्धारित किए गए 8 घंटा से कोई किसी भी मजदूर को से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जाती। चलिए हमारे साथ हैं तापस जी, जो कि रेल मजदूर यूनियन के कोषाध्यक्ष हैं। जानते हैं उनका क्या संदेश है, क्या सुझाव है इस मजदूर साथियों। ये मजदूर दिवस के अवसर पर मैं ये संदेश समस्त दुनिया भर में ये देना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना महामारी से हम आज लड़ रहे हैं, इसमें भारत अपने आप को बहुत सक्षम रूप से रखा है। और कोरोना से पूरे विश्व की अपेक्षा हमारा भारत जो है अपने आप को संपूर्ण रूप से सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि ये मजदूर दिवस है, एक संदेश ये देना चाहता हूँ साथियों कि हमारे भारत सरकार ये कहती है कि किसी भी मजदूर का हक मत छीनो, उसे बल्कि उसका वेतन मत काटो, उसे अगर चाहिए तो और वेतन दो लेकिन काटो मत। ये कहते हुए भारत सरकार हमारे रेल केंद्रीय कर्मचारियों का 4% का जो डीए है वो काट देती है, जिसे देना था, जो अनाउंसमेंट हो चुकी थी। यदि जनवरी में हमें मिल गया होता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, तो शायद सरकार नहीं काट सकती थी। परंतु ये सरासर गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भारत सरकार से कि किसी भी रेल कर्मचारी के केंद्रीय कर्मचारियों का डीए इस तरह से मत छीना जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इमरान भाई से। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद मिश्रा जी। जी, सबसे पहला तो मेरा नाम मोहम्मद अली इमरान, मैं ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन का राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री जी और रेल मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के तौर पर हूँ। और सर्वप्रथम मैं अपने देश के मजदूरों को आज के दिन का, मई दिवस का, मजदूर दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी। और दुआ करता हूँ कि आप सब इस कोविड की लड़ाई में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, भगवान आपको अच्छा रखे। जिस तरीके से मजदूर दिवस मनाने का कारण, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने सुनते आए, मजदूर दिवस मनाने का कारण यह है कि जब ये तय नहीं था कि मजदूर कितने घंटे नौकरी करेगा, तब उसको फाइनली तय करना था कि हम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते या 10 घंटे से ज़्यादा नहीं। उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसको जीता। वो शिकागो की लड़ाई मुझे आज ऐसा लगता है, पॉइंट्समैन एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री और आरएमयू के प्रवक्ता के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लड़ाई अब भारतवर्ष में भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आमतौर पर 12 घंटे की नौकरी ली जाती है, पॉइंट्समैन उससे 12 घंटा 16 घंटे की नौकरी ली जाती है, चूंकि रीढ़ की हड्डी, इसलिए माना जाना चाहिए ऑपरेटिंग में पॉइंट्समैन को। कि आज कोविड के टाइम में भारतवर्ष जब विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस कंडीशन में सबसे नीचे तबके पे पॉइंट्समैन कांटा लगाने आज भी अपनी ड्यूटी फील्ड पे जाके कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आज पॉइंट्समैन के कार्य के कारण रेल चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, यात्री ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन कोविड की जो स्पेशल ट्रेन चल रही है, दवाइयां, फल फ्रूट जा रहा है। ये किसके कारण? ड्राइवर, गार्ड, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में कंट्रोल में बैठे हमारे ऑपरेटिंग के बंदे और पॉइंट्समैन। बिल्कुल, पॉइंट्समैन जो फील्ड पे हैं, बाकी लोग ऑफिस में बैठे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं और कोई कोताही नहीं है। डीए जो हमारा पहले से तय था उसको काट दिया जा रहा है। सरकार बोलती है युद्ध स्तर पे हम लोग कोविड से लड़ रहे हैं, युद्ध स्तर पे लड़ने वाले सैनिक के साथ में ये हो रहा है कि उसका भत्ता काट दिया जाए ये। और आपकी लड़ाई लड़ने वाले सैनिक जो सबसे नीचे तबके पे हैं, बिल्कुल सही बात, उनका ही आप हक मार देंगे, उनका ही आप डीए काट देंगे। तो ये सब चीज ऐसा ना हो के इसके अगेंस्ट पे हम लोग हैं। रेल मजदूर यूनियन के तरफ से जिस तरीके से हमारे माननीय सुभाष मलगी साहब हर तीसरे दिन मंच पर आकर हम लोगों को संबोधित करते हैं, फोन पे हमसे बात करते हैं, हमको समझाते हैं कि अभी विषम परिस्थिति पे हम लोगों को पूरी तरीके से मजदूरों का साथ देना है। आज देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण जैसी खतरनाक बीमारी से लगातार पूरी दुनिया पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है।
देश और दुनिया के कोरोना के ज्वलंत आंकड़े आप तक तो हम पहुंचा ही रहे हैं, मगर आज दिनांक 1 मई है। आज का विषय है बेहद खास, क्योंकि बात मजदूरों की है। इस खबर में है मजदूर संघ की आवाज। चलिए आज मजदूर दिवस को समझते हैं, आखिर मनाया क्यों जाता है ये मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1 मई 1886 को मनाया गया था। अमेरिका में मजदूरों को 10 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता था, उनका बेहद शोषण होता था और इनके काम की भी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी, जिस कारण भारी संख्या में मजदूरों ने इसका विरोध किया। तब वहां की सरकार ने उन पर गोली चलवा दी थी, जिसके बाद से ही मजदूरों ने इसका बेहद विरोध किया था, जिसके बाद से ही मजदूरों के सम्मान के लिए मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। भारत में इसे सबसे पहले 1 मई 1923 को मनाया गया था, जब लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को सम्मान और हक दिलाना था। इस मौके पर फैज अहमद फैज की रचना को भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने मजदूर के हक की बात की थी, उनके सम्मान की बात की थी। आज बिलासपुर में भी मजदूर दिवस को रेलवे मजदूर यूनियन के जोनल अध्यक्ष, महामंत्री कोषाध्यक्ष व ऑल इंडिया अपॉइंटमेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए मजदूरों के सम्मान व उनके हक की बात की है। सभी संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.